बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बाहर आया हूँ एक आध मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ इसका लाउड स्पीकर में मसला है। तो आज बहुत प्यारा मौसम है बाहर का, हल्की हल्की सी सर्दी है और बच्चे भी मेरे साथ हैं, ये भी कहते हैं कि हमने भी बाहर चलना है आपके साथ। इब्राहिम वो आगे जा रहा है और ये साहिल है मेरे साथ। और यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, आज तकरीबन एक हफ़्ता हो गया। पहले भी जब लॉकडाउन था इतनी सख्ती नहीं थी, तो अभी तो हर चीज़ ओपन हो गई है। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, हफ्ते में दो दिन जाते हैं कुछ घंटों के लिए, और रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल दिए गए हैं। खाली एहतियाती तदबीर करें बाकी। तो ये भी हम गुजर रहे हैं, ये कब्रिस्तान की दीवार है। इब्राहिम अंदर झांकना है, ज़रा अंदर चलना है। जिस तरह दीवारें बर्लिन है, ये दीवारें कब्रिस्तान है। यहाँ पे इस तरह छोटी छोटी दीवारें होती हैं तकरीबन कब्रिस्तान के। ये पुरानी गाड़ियों का शोरूम है टोटा वालों का, और यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है। ये हमारी डबल डेकर बस जा रही है बर्लिन की, और इब्राहिम को तो बहुत ही पसंद है यहाँ पे बैठना, कि फ्रंट पे जाके बैठता है कि हर चीज़ इसको नज़र आती रहे। तो लेकिन अभी हम बस में नहीं जाएंगे, बरस्ता ट्रेन जाएंगे। तो ट्रेन का रास्ता अब यहाँ से दो मिनट का रह गया है, सामने हमें नज़र आ रहा है। ओ हमारी ट्रेन खड़ी है, लेकिन हम नहीं पहुँच सकते अभी। तो हम पहुंच गए जी ट्रेन के स्टेशन पे। ये हमारी ट्रेन 7 मिनट बाद आएगी, हैनिक स्टोर वाली, क्यों थोड़े हम लेट हो गए थे। और ये हर स्टॉप पे ऐसी मशीनें होती हैं कि सिक्के डालें और चीज़ें आ जाएंगी। भाई ये स्नैक्स हैं, चॉकलेट, पीने के लिए पानी, कोला, हर चीज़ रखी हुई है। तो 7 अप की बोतल है 1 यूरो 17 सेंट की, और इसी तरह पेप्सी है 2 यूरो की। ये पूरे बर्लिन का मैप है। ये जो जोन है ये 3 जोन में डिवाइडेड है, ये ए जोन है, बी और वो सी में, 3 जोनों में डिवाइडेड। और बर्लिन बहुत बड़ा शहर है कदीमी। ये मुखालिफ साइड से ट्रेन आ गई है, हमारे भी 4 मिनट रहते हैं। और यहाँ की ट्रेनें और बसें जो हैं बिल्कुल टाइम से आती हैं, ना 1 मिनट जल्दी ना 1 मिनट लेट। ये एक और ट्रेन आ गई है जो दूसरे शहर से आई है, और बड़ी ही स्पीड में। तो हम बैठ गए ट्रेन में बैठ के भी जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में मास्क लाजमी है, बच्चे बूढ़े नौजवान हर बंदे को लाजम है तो मास्क पहनना। और हमारे तकरीबन ये 6 स्टॉप रहेगी मज़ीद, तो चलते हैं आगे। ओ जनाब, तो मैं उतर आया ट्रेन से बाहर, और ये वही खूबसूरत बर्लिन की गलियाँ, वही खूबसूरत शाम है। तो चलें चलते हैं, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेके उसके अनबॉक्सिंग आपके सामने मैं करूँगा, और मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह नया मोबाइल आ गया है, तो मैं घर आ गया हूँ। ये सैमसंग A71 ली है, तो इसकी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके अंदर ये पहले तो ये चंद बुक्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, और ये पिन है।
ओपन करने के लिए। अच्छा, ये चार्जर है हमारा, ये हेडफोन है और मोबाइल माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और इसकी स्क्रीन जो है, मैं वो भी आपको बताता हूँ डिटेल में। और इसके 4 कैमरा है तो वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो इसको अभी ओपन करता हूँ मैं। तो ये देखें, अभी इसमें मैं अपनी ईमेल और सारा कुछ डाल के तो फिर मैं बताता हूँ। तो मैंने इसमें ईमेल अपनी डाल ली है, पासवर्ड भी वाईफाई का। और इसको अभी आपको बताता हूँ मैं कैमरे के रिजल्ट। ये देखें कितना प्यारा इसका रिजल्ट है। तो अभी इसके बाद मैं शूटिंग करता हूँ नए मोबाइल से, इसमें कितना फ़र्क है और बाकी जो कैमरे के हवाले से और कितने इसकी जीपी है वो मैं नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। ये देखें नए मोबाइल से जो बना रहा हूँ मैं, सैमसंग A71, और कितना ही प्यारा माशाल्लाह इसका रिजल्ट है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।